ये कौन सी पार्टी से ही? ओ मैं सब पार्टी से हूँ। अच्छा लोटे हो? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ महक फसा टीवी से। मैं यहाँ हाजिर हुई हूँ आवाम के मसाइल जानने, और मुझे यहाँ आकर एक ब्रेकिंग न्यूज पता चली है कि यहाँ कोई सियासतदान आने वाला है। कौन आ रहा है? कौन कौन आ रहा है? वो तबा हूँ, कौन आ रहा है? अरे आप इतना क्यों तपे हुए हैं? तवे से उतर के आया हूँ। क्यों तपे हुए? मगर आपको इतना गुस्सा क्यों है सियासतदानों पर? कौन आ कौन रहा है? आप हैं कौन? मैं इंसान का बच्चा। अरे आप इतनी जली कटी बातें कर, एक काम करें, आप ऊपर आ जाएं, ऊपर आ जाएं। मैं? हाँ आ जाऊं? बिल्कुल मैं आ जाऊंगा फिर। और मैं बहुत बुरा आता हूँ ये बता दे मुझे। मेरा मतलब है स्टेज के ऊपर आ जाएं। तो वहीं बोल रहा हूँ मैं। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि आप ऊपर आ जाएं। देख लो तुम बुला रही हो फिर। जी जी बदनाम तुम ही होगी फिर। बदनाम तुम ही होगी। आप हैं कौन? आदमी का बच्चा। इंसान का पसंद नहीं आ रहा था क्या? अरे वो तो मुझे नजर आ ही रहा है। खैर छोड़ें। पकड़ा कब है? इल्जाम नहीं लगाओ मेरे को। मेरा मतलब है कि छोड़ें। अब नहीं बोलना। एक दफा मैंने बस में छोड़ दी थी। है? सारे बस के मुसाफिर नीचे खड़े हो गए आके। मैं गुन्ना बन गया। कौन है ये? कौन है? बदतमीजी कर रहा है? अभी छोड़ दिया ना, सब उठ के भाग जाएंगे, बता दिया मैंने। ओहो, मेरा कहने का मतलब ये है कि छोड़े इन बातों को। अच्छा ये बताएं, क्या आप अवाम हैं? नहीं अवाम हूँ। हैं? अच्छा खुश हैं? हाँ, हाँ, बहुत। शादी हो गई आपकी? नहीं हुई। तू करेगी? हैं? ये भला कैसा जवाब हुआ? तो सवाल वो करो जिसका जवाब हो। नजर नहीं आ रहा है? शक्ल से ही थका हुआ लग रहा हूँ। शादी हुई भी है? बिल्कुल बिल्कुल थके हुए लग रहे। अच्छा ये बताएं, बच्चे कितने हैं आपके? 12। 12 बच्चे? हाँ। आपके घर में टीवी नहीं है? नहीं, सिर्फ बीवी है। मेरे घर में सिर्फ बीवी है, उसी को देखता हूँ और फिर उसी को देखता हूँ। नहीं मेरा मतलब ये है कि आपने टीवी पे वो इश्तिहार नहीं देखा, बच्चे 2 ही अच्छे। हाँ तो उसमें 10 इश्तिहार के पहले के, 2 इश्तिहार के बाद के। मैंने कहा चलो 12 हो गए, इसमें 2 अच्छे तो निकल ही आएंगे। बिल्कुल ठीक, 2 तो अच्छे निकल ही आएंगे। अच्छा ये बताएं कि आप काम क्या करते हैं? यही है? मेरा मतलब है, सोचता रहता हूँ। सोचते रहते क्या? आज बच्चों को लेके तफरी करने निकलूंगा, क्लिफ्टन जाऊंगा, जरा सा घूमूंगा फिरूंगा, बच्चों को घुमाऊंगा। अच्छा। बजट बनाता हूँ फिर बैठ के। फिर के बच्चे हैं 12। 12 पहले सूजी की करा, उसका किराया, फिर एक देख बिरयानी की बनवाओ घर पे, फिर उसके बाद बच्चे झूला झूलेंगे, फिर बच्चा इतना। हाँ। फिर बच्चा इतना। हाँ। तो हिसाब किताब लगाता हूँ, कोई 10,500-11,000 बनते हैं। मेरा दफा करो, बाहर जाके तफरी, घर पे तफरी करो। तफरी तफरी में 12 बच्चे हो गए। ब्रेकिंग न्यूज है ये भी, तफरी तफरी में 12 बच्चे हो गए। खैर अच्छा ये बताएं कि बच्चों के नाम क्या हैं और उन बच्चों के नाम याद कैसे रखते हैं? आइसक्रीम पे नाम रखा हुआ उनका मैंने। आइसक्रीम पे? बड़े वाला का नाम है फालूदा, बाकी का नाम ले नहीं सकता, टीवी पे आ रहा ना ये। हाँ अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चे रहते कहाँ हैं? फ्रिज में है? हाँ मजा तो जब आता है जब लाइट जाती है, सारे बच्चों की शक्लें आपस में मिल जाती हैं। अजीब बात कर रही हो, कमरे में रहता हूँ। ओहो आपके घर में कमरे कितने हैं? एक। एक गुसलखाना? एक। एक बाथरूम? एक। एक सब एक है। सुबह बच्चे मुंह धोने जाते हैं ना। हाँ। आखिरी वाले के 12 बजे टाइम आता है फिर उसका। और जब टॉयलेट जाते हैं ना, बिल्कुल छोटे की तो निकल ही जाती है आखिर में। बड़े ही कोई दिलचस्प से इंसान है ये। हाँ बहुत दिलचस्प। हाँ हाँ अच्छा ये बताएं कि एक कमरे में इतने सारे बच्चों के साथ आप कैसे गुजारा करते हैं? बच्चे कैसे सोते हैं? हाँ तय लगा के सुलाता हूँ। हाँ सुबह जिस बच्चे ने स्कूल जाना था ना, ऐसे निकालता हूँ जैसे फाइल नहीं निकालते बीच में से। हाँ। एक बच्चा ऐसे निकालता हूँ, गिरते ही नहीं, गिरते ही नहीं। अरे प्रैक्टिस ऐसी हो गई बच्चों को, पता ही नहीं लगता कौन निकला। अल्लाह जानता है। सुबह रात में कुछ ऊपर वाला कुछ करे ना काम, सुबह नीचे वाला पसड़ जाता है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, रात बारिश हुई थी। अच्छा ये बताएं कि घर आपका अपना है? नहीं नहीं किराया का है।
किराए का घर है? 5,000 किराया देता हूँ। घर का किराया 5,000, बिजली का बिल 6,000। अब तो सोच रहा हूँ बच्चों को लेके तार पे शिफ्ट हो जाऊँ। हाँ, जब 6,000 वहाँ देना तो कमरे में क्यों रहे भाई? बिल्कुल सही। लीजिए, बैठे 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 लीजिए, साहब आ गए। बस बस, कोई लाखों का मजमा नहीं है। बैठे बैठे। और देखे जी, जो पूछना है जल्दी पूछे, मुझे जाना भी है। हाँ, साइकिल किराए के लेके आया। कौन है ये? जी, ये आवाम है और बहुत ही परेशान है। तो यहाँ क्या कर रही है? अभी तो इलेक्शन दूर है। जी, ये आपके वोटर हैं और इंतहाई परेशान। और देखे जी, घबराए ना, घबराए ना। नहीं नहीं, घबरा नहीं रहे। हाँ, ना घबराए जी। नहीं नहीं, घबरा नहीं रहे। और नहीं घबराए? ये कौन सी पार्टी से है? ओ, मैं सब पार्टी से हूँ। अच्छा, लोटे हो? मतलब तुम्हारा तो काम वही है ना? क्या मतलब? जहाँ फायदा होता वहाँ चला जाता। हाँ, इनकी तो वही मिसाल है, अपना काम पूरा भाड़ में गया अनमूरा। आप घबराए ना जी। नहीं नहीं, घबरा रहे भाई, मैं सबको ये कह दूं, घबराओ मत, सरकार कह रही घबराओ मत। मेरे ताया बीमार हुए, मैं कहा घबराओ मत, क्लिनिक ले गया, दवाई महंगी, मैं कहा घबराओ मत। उन्होंने कहा अस्पताल में जमा करा दो, मैं अस्पताल में ले गया, जमा करा दिया, मैं कहा घबराओ मत। उन्होंने कहा ये प्राइवेट अस्पताल ले जाओ, उनका वहाँ काम होगा, मैं वहाँ ले गया, वो अस्पताल महंगा, मैं कहा घबराओ मत। आज 3 दिन हो गया ताया नहीं घबरा रहे। ताया की घबराहट खत्म हो गई। और सब इस तरह घबराना छोड़ देंगे? हाँ, तो मर गए कहाँ से घबराएंगे वो। ब्रेकिंग न्यूज, इनके ताया इलाज ना होने की वजह से मर गए हैं। खवातीन हजरात, ये है आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तुम लोगों को तो एक तो ब्रेकिंग न्यूज की पड़ी रहती है। कुत्ता गटर में गिर गया, ब्रेकिंग न्यूज। कुत्ता बाहर आ गया, ब्रेकिंग न्यूज। कुत्ता गिर गया, 3-3 दिन कैमरा वहीं रखते हो, बेचारा कैसे फंसा हुआ है, कहाँ जा रहा है ये, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। 3 दिन बाद कुत्ता बाहर हीरो बन के निकलता है पूरे दुनिया में। हर चीज की ब्रेकिंग न्यूज। ताया बच गए थे, फिर इलाज हो गया। हाँ। बस लेके निकल रहा था अस्पताल से, फिर क्या हुआ? डॉक्टर ने बिल दिया, बिल देख के हार्ट अटैक आया, फुड़क के मर गए। बस जी, टेंशन ना लें, घबराए नहीं। ये आदमी मुझे बहुत दुखी लग रहा है। सियासतदान साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि आजकल टिकटॉक की बड़ी चर्चा है, क्या बला है ये? टिकटॉक जी, इनके भाई बंदों ने वो हरीम को क्रीम समझ के मुंह में मल लिया। जब शीशा देखा तो बोला वो ये तो काली पोतली, अब शर्मिंदा घूम रहे। कोई बात नहीं, आखिर इंसान खता का पुतला है, गलती इंसान से ही तो होती है। हाँ, बात तो सही है। तुम दुखी हो? हाँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। पेट्रोल महंगा हो गया, मैं खुश। चीनी महंगा, मैं खुश। गैस नहीं आ रही, मैं खुश। सोना महंगा, मैं खुश। आटा महंगा, मैं खुश। और देखे जी, इसमें भी ना तुम लोगों का फायदा है। क्या मतलब? इसमें हाँ फायदा है, महंगाई भी फायदा है। कैसे? और देखा जी, ये जो पेट्रोल छिड़क के गरीब आदमी अपने ऊपर डालता है ना, और खुदकुशी कर लेता है। पेट्रोल महंगा हो गया, कहाँ से खुदकुशी करेगा। वाह, क्या है, क्या बात। और ये बच्चे जो है ना, आटे की बात करते ना आप, ये बच्चे पतंग की लई बनाते, पतंग पे जोड़ते, पतंग पे लगाते, छत पे चढ़ते, और बच्चे नीचे गिरते और मर जाते। और आटे ही नहीं होगा तो लई किस चीज की बनाएंगे? हाँ, और फिर छत पे क्यों जाएंगे? सही बात है, ये भी बात है। और सोना जो महंगा हुआ ना, गरीब आदमी जो अपनी बेटी के लिए 1-1.5 तोला जेवर बनाता है, डाकू लूट के ले जाते, ना सोना लेंगे तो डाकू क्या लूटेंगे। वाह, है ना। और रही सवाल चीनी की, गरीब आदमी मुंह मीठा करता है ना। हाँ। तो गरीब के बाद कोई खुशी बची ही नहीं है, तो मुंह मीठा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है भाई। हाँ। आपका अपना ना जहन्नुम में अपनी पान की दुकान होगी। हाँ है? बस चूना कच्चा कम लगाना। ये है कौन? ये वजीर है। अबे, तो काहे का वजीर है? मेरे 12 बच्चे, मैं जहाँ से गुजरता हूँ सब मुझे कहते हैं वो जा रहा है वजीर पैदावार। मैं भी वजीर हूँ। इसके 12 बच्चे? जी हाँ। जी, 12 बच्चे। हाँ, क्यों? गुस्सा बहुत है ना गरीबों में। आदमी कहाँ उतारे, घर भी उतारता है, फिर 12 बच्चे होते हैं या 14 बच्चे होते हैं। तोबा यार, इतना गुस्सा कम किया करो। ठीक है, मशवरे मत दे, हमारे हालात ठीक कर। मैं क्या गरीबों के हालात ठीक करूं? मैंने कौन सा गरीबों की सांसें बंद कर दी हैं? हाँ, तो शुक्र है सांस पे टैक्स नहीं, उस पे भी लगा देते तुम लोग, फिर छुप छुप के सांस ले रहे होते हम लोग, देख नहीं रहा कोई। और नहीं नहीं जी, देखे जल्दी करें जी, मैं ऐसी नहीं बनाऊं। मैंने जो ना 1,00,000 वोट लेके इधर आया हूं, जीता हूं। हमारे हल्के में कुल 36,000 वोट है। 36,000? पता नहीं 1,00,000 कहां से ले लिया। तुझे कैसे पता? देखा देखा देखा।
और नहीं, मैं कह रहा हूँ तुझे कैसे पता, तू क्या नजूमी है? ये कह रहा हूँ मैं, और ज्यादा बात नहीं कह रहा, मुझे अभी जाना है, इफ्तिदा करनी है स्विमिंग पूल की। स्विमिंग पूल की इफ्तिदा? हाँ। वो कैसे? और नहा के। अच्छा, वो इफ्तिदा कर लेना, फिर एक इफ्तिदा और कर देना। हाँ जल्दी बताओ क्या करना है? इफ्तिदा टॉयलेट का इफ्तिदा करना है। टॉयलेट का कैसे करूंगा? स्विमिंग पूल का कैसे कर रहे हो? वो तो नहा के करूंगा। हाँ तो उसका भी ऐसे ही करना, दरवाजा खोल के बैठना, बैठ के दिल की भड़ास निकालना, सब खड़ों के सामने ताली बजा देंगे, ओ इफ्तिदा हो गया, इफ्तिदा हो गया। उसके बाद एक इफ्तिदा और करना है। हाँ वो बताओ। हमारे इलाके में नया कब्रिस्तान बन रहा है, उसका इफ्तिदा करना है। कब्रिस्तान का कैसे करूँ? स्विमिंग पूल का कैसे किया? वो तो नहा के किया था। बस तो यहाँ मर के करना है, पहली कबर तुम्हारी होगी, बस इफ्तिदा हो जाएगा। ओ पागल है, इसको दफा करो, मैं नहीं कर रहा जी, वो बाद में आएंगे। अरे सियासतदान साहब, ओ अब आपको मुंह नहीं लगाना। अरे मेरी बात तो लीजिए आवाम, सियासतदान साहब तो चले गए, बेचारी आवाम हमारे सामने खड़ी है, हम इनसे ही जानते हैं, आप कुछ कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा भैया, जितने भी वोटर है ना, सही आदमी को वोट डालो भाई, ताकि तुम्हारा कैंडिडेट जो आया ना तुम्हारे लिए काम करे, सही काम करे, समझे ना? सही वोटरों को सही वोट दो तुम लोग। एक बात बताओ जी, ये क्या वाकई हमारे वोट से ही आते हैं ये लोग? हाँ तुम सोचती रहो। बात सुनो जी। जी ये मुझे अस्पताल जाना है, बस कहाँ से मिलेगी? अस्पताल भला क्यों जाना है? 13वां बच्चा हो रहा है ना मेरा।